रायगढ़ में कोरोना का तांडव, 38 बच्चों समेत 246 पॉजिटिव, जिंदल बना हॉटस्पॉट। जिले में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले कई दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो यही लग रहा है, पिछले 24 घंटे में 246 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोविड-19 संक्रमण में बीते कुछ दिनों से हो रही वृद्धि रायगढ़ जिले के लिए शुभ संकेत नहीं। एक तो मौसम की मार, ऊपर से कोरोना का कहर टूटकर लोगों पर गिर रहा है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिले में आज 38 बच्चों को भी कोरोना ने नहीं छोड़ा। कोरोना पर लगाम कसने कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी, कई प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद संक्रमण की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ोतरी बड़े खतरे की ओर बढ़ रही है। अब सावधानी ही एकमात्र उपाय है। विदित हो कि शहर के नजदीक स्थित जिंदल स्टील प्लांट के हिलव्यू कॉलोनी, जिंदल नगर JSPL केराझर गेस्ट हाउस, JSPL जिंदल कॉलोनी जिंदलगढ़ में 2 दर्जन से अधिक पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। शुरुआत से जिंदल स्टील से कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारे, जो अब चलता जा रहा है। तो वहीं खैरपुर वृंदावन कॉलोनी शहर भीतर, शिवम विहार कॉलोनी, केलो विहार, फॉरेस्ट कॉलोनी, सावित्री नगर के अलावा लगभग हर क्षेत्र में कोविड पेशेंट पाए गए। रायगढ़ जिले के पुसोर, खरसिया, सारंगढ़, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, अन्य ब्लॉक में भी दर्जनों कोरोना मरीजों के सामने आने से हड़कंप मच गया है।